वेलकम बैक। सर्दियों के मौसम में पहाड़ी इलाके पर रहने वाले लोग या जहाँ पर बर्फ गिरती है ऐसी जगहों पर रहने वाले लोग अपने बेड में कुछ ऐसी चीज का इस्तेमाल करते हैं जिससे उनके बेड हमेशा गर्म रहते हैं। तो अगर आप नॉर्थ इंडिया में किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा है लेकिन आपको बेड में दिक्कत होती है कि वो हर समय ठंडा रहता है और जब उस पर लेटो तो उसको 10 से 15 मिनट से उसको गर्म होने में लग जाते हैं और पैर तो कभी कभी ठंडे ही रहते हैं, तो ऐसे में आप वही चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं जो पहाड़ी इलाके के लोग इस्तेमाल करते हैं और उससे चुटकियों में आपका बेड होगा गर्म और मस्त आपको आएगी नींद और पूरी रात आप चला सकते हैं, पूरा दिन भी उसको गर्म रख सकते हैं और साथ ही साथ उसमें कोई बिजली का भी कोई बड़ा खर्चा नहीं है, नॉर्मल घर के इन्वर्टर पे आप उसे आराम से चला सकते हैं। तो क्या है वो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर लगा है इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट जो कि इस बेडशीट के नीचे है और अगर आप इसको ऊपर से बेडशीट के किसी भी एंगल से देखें तो आपको कुछ पता नहीं लगेगा कि यहाँ पर आपके कोई ब्लैंकेट भी इसके नीचे बिछा हुआ है। ये बिल्कुल स्मूथ और एक जैसी बेडशीट आपको दिखाई दे। तो ये ब्लैंकेट कैसे मैंने सेट किया है आइए यहाँ पर देख लेते हैं। ये बेडशीट अभी हम हटाते हैं यहाँ से और इसके नीचे ये जो आपको मैरून रंग का जो ब्लैंकेट दिख रहा है यही है वो इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट जो कि पूरे बेड को गर्म करता है। अब इसको बिछाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है इसके नीचे दरी को जो कि कॉटन की होती है और कॉटन की दरी को इसलिए इस्तेमाल यहाँ पर किया है जिससे कि यानी जो गद्दा है इस पर लगा हुआ ये गद्दा ख़राब ना हो क्योंकि लंबे समय तक अगर हीट प्रोड्यूस होगी और हीट निकलेगी उस ब्लैंकेट से तो हो सकता है कि आपका गद्दा ख़राब हो, इसलिए इस तरीके का जो कॉटन का दरी है या कुछ और है वो या कोई बेडशीट है उसे ज़रूर आप गद्दे के ऊपर इस्तेमाल करें तब इस इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट को यूज़ करें। अब इसको बिछाने की भी कुछ टेक्निक ऐसी है कि एक ही सिंगल बेड वाले इस ब्लैंकेट से हम पूरा फ़ायदा ले सकते हैं और उसको मैंने देखिए कुछ इस तरह से बिछा रखा है नीचे की साइड से जिससे कि इसका मल्टीपल यूज़ हो सके। ये बॉटम एरिया है और वो टॉप एरिया है ब्लैंकेट का, जो टॉप एरिया है वही से इसमें वायर भी लगा हुआ है, ये वायर देखिए आप, और इसमें ये कंट्रोलर लगा हुआ है रेगुलेटर जैसा जिसे आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो और सीधा ऑन और फिर ये चालू हो जाएगा और फिर इवनली हीट देगा। इसके मोड्स को भी हम यहाँ देखेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि इसमें बिजली कितनी खर्च होती है। इसके लिए मैंने विप्रो का ये सॉकेट यूज़ किया है जिसको हम ऐप के थ्रू रीड करेंगे। इसको अगर हम ऑन करते हैं तो यहाँ से ये फूट का ऑप्शन ऑन हो जाता है और फूट में अगर यानी पैरों के एरिए में अगर ये गर्म करता है तो ये 40 वाट के आसपास लेता है। सेकेंड ऑप्शन पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर जो नॉर्मल पूरे ब्लैंकेट में जो इवनली हीट मिलेगी उसमें 70 वाट के आसपास आपको या 80 वाट के आसपास ये आपका वोल्टेज लेगा यानी एक पंखे के आसपास जो आपका सीलिंग फैन चलता है। और अगर आप हाई मोड पर जाते हैं तब ये ऑलमोस्ट अराउंड 150 वाट के आसपास लेगा। और नेक्स्ट ऑप्शन है ऑफ, तब इस पर चाहे आप कंबल डालें या रजाई दोनों इवनली गर्म होंगी और फर्स्ट क्लास गर्माहट देंगे। अब जानेंगे कि रेगुलेटर में जो फूट का ऑप्शन है यानी पैरों को गर्म करने वाला ऑप्शन वो कैसे हम यूज़ करेंगे। उसके लिए आप बेड पर कंबल को इस तरह से बिछाएंगे, यहाँ पर वायर रहेगा, यहाँ पर नीचे का ऑप्शन होगा जहाँ पर पैर गर्म होंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर वायर है जो कि ये वाला पूरा पोर्शन आपका पीठ के आसपास रहेगा और ये पैरों का ऑप्शन होगा जहाँ पर पैर गर्म होंगे, पूरा कंबल गर्म नहीं होगा। लेकिन अगर आप कहें कि हीटर्स भी तो बहुत अच्छी हीट देते हैं तो हाँ वो हीट देते हैं लेकिन वो बाहरी हीट देते हैं, लेकिन बेड के अंदर की अगर बात है तो भाई ये कंबल नेक्स्ट लेवल की हीट प्रोड्यूस करते हैं और जिनकी कोई बराबरी नहीं। वेल, इतने साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है इसे इस्तेमाल करने का वो बहुत अच्छा है एंड अभी तक ये खराब भी नहीं हुआ है और बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है घर में सर्दियों के लिए। वेल, इस समय तो सर्दी आप तो जाने वाली है लेकिन हाँ नेक्स्ट सर्दियों के लिए आप इसे प्लान कर सकते हैं। ये ऑनलाइन आराम से अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से आप इसे आराम से ले सकते हैं। जहाँ पर भी जो भी प्राइस पॉइंट पे आपको ये ठीक लगे अलग अलग रेट्स में ये आपको मिल जाएगा, आप इसे थोड़ा सा चेकआउट करिए एंड देन यू कैन बाय फ्रॉम देयर। और हाँ, आपने मेरे वॉशिंग मशीन के रिव्यू को इतना सारा पसंद किया, इतना सारा प्यार दिया, थैंक्स अ लॉट। इसकी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी थी, अगर आपने वो रिव्यू नहीं देखा है तो वॉशिंग मशीन लेने से पहले ये रिव्यू जरूर देख ले, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा कोई डाउट है तो जरूर लिखे, मिलते हैं नए वीडियो में, सी यू नेक्स्ट वीडियो एंड बाय।